आज जिस केस में आप यहाँ पर थाने में हैं, मैंने इस केस पर आपसे बात करनी है। आप गोल्ड का काम करते हैं, आपकी अपनी दुकान है या किसी के पास हो काम करते हो? मेरा अपना कारोबार था। जब मैं काम सीखने गया तो एक साल में ना मैंने उन्होंने 5 साल की आपका अपना कारोबार था। मेरा अपना गोल्ड का काम मैं बताने लगा हूँ ना, डिटेल से बताऊंगा। नहीं, मैंने कहानी नहीं सुनी ना। नहीं, लंबी कहानी नहीं, एक मिनट की कहानी है। मेरे पास खड़े होने का टाइम भी नहीं, मैं चौंगड़ी मारने लगा हूँ। आपको भी करूँगा अगर चौंगड़ी मार ले। क्यों? मेरे पाँव की हड्डी टूट गई है, मुझे यहाँ तो लाइट हॉस्पिटल तक लेके जाए। अच्छा, गोल्ड का काम क्या करते हो वो बताओ। मार के हड्डियां तोड़ दी लोहे का। गोल्ड का काम क्या करते हो वो बताओ। आपकी गुस्सा ना करे, छिलाई जुड़ाई का काम है मेरा ना, ये गुट का काम है, छिलाई करनी है थे। पीस को लगा के ना छिलाई करनी होती है। ठीक है, कारीगरी। हाँ जी, सीबीआई ऑफिसर आया। नशा कौन सा करते हो? नशा मैं आज से 10 महीने पहले करता था। किस चीज का? आयत का नशा। और आयत का कह दिया वो पाउडर मेरे दोस्त ने लगा दिया। मैं वो दोनों भाई खड़े हैं, मैंने कहा जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, सिविल वर्दी पहनो, वो घर पे है, घर जाके उसके कमरे में रेड करो। और पाउडर के नशे? आयत नहीं, आयत नहीं, पाउडर पे। पाउडर, पाउडर मुझे नींद नहीं आती। सबसे बड़ी बीमारी एक नींद नहीं आती, दूसरी पूरी रात में मैं फ्रीजर खाली कर देता हूँ, तीसरा मैं 4-4 रिलैक्सन खाता हूँ, बेशक जितना मर्जी हो जाते थे 4 रिलैक्सन गोलियां दे दे। उसके अलावा एक गोली आती है, एक गोली 40 रुपए की आती है। बच्चे कितने हैं? बच्चे कितने? बच्चे शादीशुदा? बच्चे माशाल्लाह बहुत है लोगों के। शादीशुदा? शादी हुई होती तो आज यहाँ तक आता मैं। शादी के बाद यहाँ कोई नहीं आता? यहाँ थोड़ी आता, या उस माई के पास थोड़ी जाता। अच्छा, उसे कहता मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्या करने जाते थे बूढ़ी अम्मा जी के पास? बूढ़ी अम्मा जी के पास पैसे उधार लेने जाता था। उस गली में कब से रहते हो जहाँ पे अम्मा जी का घर था? जहाँ अम्मा जी का घर था, आप अफवाना हुआ देखा हुआ है ये गुलबर्ग से लेकर? कब से रहते हो वहाँ? क्या का टोन तक? हाथ नीचे, यानी कि हाथ नीचे। अच्छा, सॉरी, उस गली में कब से रहते हो? सॉरी सॉरी, इस इलाके में मेरे दादाजी रहते थे। तुम कब उस से रहते हो? मैं पैदा इधर, मेरा भाई भी पैदा इधर हुआ, मेरा बाप भी इधर पैदा हुआ। अम्मा जी के घर आना जाना कितनी की दफा था? दिन में 2-3 चक्कर लगते थे या कभी कभार? वो उस दिन तो अम्मा रात को 2 बजे आ जाती। मैंने सवाल क्या किया? आंटी, आंटी के दिन आप में उनके घर डेली जाते थे या कभी कभार? मैं नहीं जाता था डेली, मैं तो परहेज करता था कि मैं ना जाऊं, कोई गली वाला इनका रिश्तेदार देख ले वो शाकी ना करे, यार पता नहीं ये क्यों जाता है। कितनी उम्र थी अम्मा जी की? उसकी अम्मा की उम्र 80 साल के करीब है, उसके आईडी कार्ड से पता चल सकती है। तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी 40 के करीब है। शक किस चीज का? बेटों जितने हो तुम। ओ, मैं ना एक दिन गली में आज से 10-12 महीने पहले कोई नशे में गुजर रहा था तो कह रहे गिर क्यों रहा, मैं कहा माँ जी मैंने कुछ कितने खिलाता, कहते नशा खिलाता हूँ, कहते आया अंदर बैठ जा। अच्छा, फिर 7-8 साल पहले दी गल दा। फिर तुमने आना जाना शुरू कर दिया। गलत बयान नहीं होवे तो मैं वो कुरान पाक रखिया, वो मेरी बारे चो काट के इतने कमरे च रखो, गल्ला करनिया और वड्डी सिस्टर के सामने कुरान पाक रख के, ताकि अगले नु यकीन भी तो आना चाहिए ना कि तेरी माँ नू मारिया। जे तू कहनी ना कि मैं मारिया वा, तो तेरी माँ जो कुछ करती थी इन्हें मैनू 10 साल हो गए, इन्हें मैनू शादी क्यों नहीं करन दिती, फिर मैनू 20 साल हो गए, खर्चा मेरा 30-40 हजार रुपया चुक रही। अच्छा अच्छा, मैं आपको वो मैडम कौन? अम्मा जी का क्या नाम है पूरा? सलमा बेगम। आराम से खड़े हो, पीछे पीछे कहां जाते हो? उसका शोहर जवानी में मर गया था, बच्चे छोटे छोटे थे। तुम कब तब कितने थे? मैं उस वक्त मैं भी उतना था जब उनकी अम्मा जी की उम्र 70 साल है, 80 साल है, 80 साल है, तुम्हारी उम्र 40 साल है, क्या 45-47 साल हो गई होगी? अम्मा जी की जवानी में तुम उतने ही थे? वो बात अभी बात ये है कि नहीं, बात जो मैंने की है उम्र भी ना पूछे कि ना, जो मैंने की है बात वो है जो मैंने की है। जब अम्मा जी की जवानी थी तब तुम्हारी कितनी उम्र थी? तुमने कहा मेरी उम्र उतनी ही थी, कितनी थी? मैं बस उनके बच्चों के साथ खेलता बच्चों था। के साथ खेलते थे, मतलब बहुत छोटे थे। छोटे थे उसकी 8 साल 10 साल 15 साल 6-7-8 साल होगी। 7-8 साल का बच्चा और एक जवान औरत बच्चों की माँ, ऐसा ये मामला? हाँ जी, हाँ उधर जी। तक रहना है जहाँ तक मेरा सवाल है। हाँ जी, ठीक हो गया जी। अम्मा जी तुम्हें बच्चा करके अगर कभी नशे की हालत में उसने तुम्हें कमरे में बिठा लिया है कि बच्चे को किसी ने नशे पे लगा दिया है, तो उसको आप गलत रंग दे रहे हैं।
अम्मा जी को कत्ल क्यों किया? अम्मा जी को कत्ल नहीं किया, अम्मा जी बैठ ड्राइंग रूम में बैठे थे मेरे पास ही। किसका घर था? अम्मा जी का घर था। आप क्या कर रहे थे ड्राइंग रूम में? ऊपर के किराए का मकान खाली करवा लिया था। आप उसके ड्राइंग रूम में क्या कर रहे थे? वो रात को 2 बजे मुझे बुला लेती थी। आप क्या कर रहे थे? वो मुझे जिस काम के लिए बुलाती थी मैं आपको अब क्या बताऊं? अच्छा, आप अगर अपने असिस्टेंट को गए अच्छा, तो मैं उनको बता देता हूं। तो आपने उसके बच्चों से कोई रابطہ नहीं किया? मैंने आपने थाने में कोई रابطہ नहीं किया? साथ कोई नहीं रहता? साथ नहीं रहता। 3 बेटियों की शादी हुई है। कॉल की जा सकती थी? एक बेटा। कॉल की जा सकती थी? हाँ जी। या गन पॉइंट पे तुम्हारे साथ ये काम होता था? नहीं। एक बूढ़ी औरत 80 साल की जो दुनिया से चले गई जुल्म सहकर, अब तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, अल्लाह माफ करे। मैं तो लगा रहे हो तुम? अल्लाह और क्या कर रहे हो मैडम? 80 साल की औरत में कौन सी सकत ऐसी होती है कि वो तुम्हें बुलाती थी? माफ करे मैडम, अल्लाह माफ करे, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा मैं, और ना मैं 302 से डरता हूँ। ये नहीं कहता कि 302 हो गई मेरे से, ये मर गई है तो पता नहीं, मैं मेरी भी कल मुझे भी हफ्ते बाद लटका देंगे। लेक्चर नहीं लेने आई? नहीं नहीं, ठीक है। जितना सवाल किया उतना जवाब दो, लेक्चर नहीं देना मुझे। ठीक है ठीक है। मुझे पता है तुम पाउडर का इस्तेमाल करते हो, लेकिन साबित नहीं करना यहाँ अपनी हरकतों से। नहीं, ठीक। जितना सवाल उतना जवाब। ठीक है। 80 साल की औरत तुम्हें क्यों बुलाती थी अपने घर? वो घर में मुझे 20-25 हजार रुपया ना महीने का खर्चा, जहाँ से भी लाए वो बेटी से लेके आए, वो बेटे से मंगवा ले। एक बेटा ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो बेटा सारे बैंक लूट के, क्रेडिट कार्ड लूट के, सारा कुछ लूट के पाकिस्तान से ले गया, और बैंक अपना मकान बैंक प्लाज करा के। मैंने आपसे आपका सवाल किया या उसके बेटे का किया जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, किसके बारे में बात हो रही है? आपने अम्मा का सवाल किया था। तो लेकिन आप उसके बेटे पे क्यों पहुंच रहे हैं? ओवर स्मार्ट नहीं बनो। नहीं, मैं स्मार्ट नहीं बनना, ओवर स्मार्ट बन रहे हो। वो अकेली बह रही थी। ओवर स्मार्ट नहीं बनो, ओवर स्मार्ट नहीं बनो। अच्छा ठीक है सर। रात के 2:30 बजे तुम्हारा क्या काम है उसके ड्राइंग रूम में? मैं, मुझे नहीं पता कि ड्राइंग रूम में क्या काम है। उन जब मैं नशे में उनके जब करता था ना नशा, जब मैं घर में बैठा था तो सोफे पे बैठा तो मैं गिर गया। उन्होंने मुझे ना अपने बेड पे या चारपाई पे अंदर मुझे ना बड़ी मुश्किल से पकड़ के, वो खुद ज़ईफ़ थी, मुझे पकड़ के ले गई। मोबाइल माशाल्लाह पूरा चलाती थी अम्मा जी। अम्मा जी का मोबाइल? मैंने पूछा है अम्मा मोबाइल कैसा चलाती थी। अच्छा, क्या सवाल किया मैंने? आपने किया है कि तुम्हारा क्या काम था वहाँ पे? मेरा काम, वो मुझे नशे की हालत में उन्होंने मेरे साथ तस्वीरें बनवा ली थी, वो मुझे ब्लैकमेल करती थी पहले। कौन? अम्मा। क्यों? वो कहते मेरे साथ, मेरे साथ करना कुछ नहीं गलत, वैसे जो भी है। मैं उन्होंने ताका भाई ने कहा कि बहुत बड़ी फिल्म हो तुम, बहुत बड़ी फिल्म हो तुम, बहुत बड़ी फिल्म हो तुम, और जो फिल्में तुम चलाने की कोशिश कर रहे हो वो फिल्म मैंने चलने नहीं देनी। तुम इस चक्कर में हो कि फिल्म चल जाएगी, फिल्म नहीं चलनी तुम्हारी। किस चीज से कत्ल किया है अम्मा को, किस चीज से मारा है? मैं जब गया तो उसके 1 मिनट बाद सफाई वाली आ गई, मैं गली में खड़ा टेलीफोन सुन रहा था, तो टेलीफोन सुनते सुनते अम्मा जी ने आवाज दी है, मैं नहीं उनके घर गया। अभी थोड़ी देर पहले वाला दरवाजा खुला था। अभी 2 मिनट पहले तुम नशा करके सोफे पे बैठे थे, फिर अम्मा जी ने तुम्हें सहारा दिया था, अभी तुम फोन सुन रहे थे तो और अभी कामवाली भी आ गई। आगे? नहीं, वो तो आपको बता देना था, ब्लैकमेल करता था। आगे? जब अम्मा मरी उस वक्त की बात करने लगा। वो जब अम्मा मरी ना तो उस वक्त अभी ये था कि वो कह रही है कि चलो जो भी होना था, ये कुरान पे याद रखो, ये बात कभी किसी से भाई ना जाए। अम्मा को कत्ल कैसे किया मैंने ये सवाल किया? नहीं, मैंने कत्ल, वो वॉशरूम में पहले गिरे ना, तो अपने घर के अकेले किराएदार पहले रहते थे ऊपर, उनको तो ये सहूलत थी, कहते मैंने उस बंदे को मकान देना है जिसके साथ मैं रहूं, मैं एक कमरे में रह लूंगी मैं ना। अम्मा को कत्ल कैसे किया? अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना कोई इजहार, ना कोई कत्ल करने का दिन, ना 40 साल से कभी उनसे जेन में था पैसे। कैसे कत्ल किया है अम्मा को? सर उठा उठा के उसका मारा दीवारों में? वो चारपाई पे जब गिरे ना पीछे, मैंने कहा अम्मा जी 2 महीने से आप लारे लगा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, आपने मुझे कहा भी था कि चारपाई पे गिरी थी। हाँ जी, चारपाई पे गिर गई थी? नहीं, चारपाई नहीं गिरी थी। अभी आपने कहा चारपाई पे गिरी है,
नहीं, चारपाई गिरी कब कहा मैंने? आपने कहा चारपाई भी अम्मा जी गिरी। नहीं जब बहुत हुई। हाँ जी हाँ जी, जब बहुत हुई है चार पाई पर जब। हाँ जी, आप खड़े थे पास? सात आठ साल पहले की बात करने लगा था जब। मैंने नहीं सुनी, आठ साल पुरानी बात। अच्छा अच्छा, आप खड़े थे पास जब अम्मा जी गिरी? हाँ जी। जब कितने बजे का टाइम था वो? ना तकरीबन 12 बजे का। अभी ढाई बजे का टाइम था, 10 मिनट पहले ढाई बजे का टाइम था। 12:30 अक्सा सफाई वाली आती है, उसका नंबर ले देता हूँ अपने भाई से, उससे पूछ ले अक्सा का नंबर क्या है। मैं अम्मा जी चारपाई पे गिरी। अम्मा फिर क्या हुआ? अम्मा चारपाई पे गिरी, मैंने कहा अम्मा जी आपने पहले भी मुझसे एक सेट बनवाया हुआ है, याद है? जब वो गिर गई उनको ये पूछ रहे थे तुम? हाँ जी, जब वो चोट उनको लगी। नहीं मैंने कहा वो जो दिया मैंने कभी वो सेट का भी नहीं पूछा। मैंने आपसे सवाल किया कि अम्मा जी चारपाई पर गिरी। हाँ जी। उनके कहाँ चोट आई? उनके चारपाई पे जब गिरी ना वो ऐसे इसी तरह हाथ लगा जैसे। हाँ। वो कहले कि मुझे गुस्सा चढ़ा था कि 2 महीने से मुझे। मैंने पूछा चोट कहाँ लगी? तो चोट ना उनके सर पे लगी, पाया लगा। उसके बाद तुमने 15 पे कॉल की? नहीं मैं डरता मरा निकल गया। ठीक है, तुम डॉक्टर के लेकर गए? नहीं डॉक्टर के भी। 112 पे कॉल की? मैं डर बहुत। एक मिनट, डरने वाली चीज नहीं हो तुम।